वर्डप्रेस के तीसरे ट्यूटोरियल में आपका खुश आमदीद कहा जाता है। कुछ नेट की वजह से वेबिनार नहीं हो सका, तो इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ, और बाद में कोई क्वेश्चन वगैरह आपके ध्यान में हो तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वक्त मैंने डैशबोर्ड ओपन करके रखा हुआ है वर्डप्रेस का। जब भी हम वर्डप्रेस को ओपन करते हैं, vp/admin लिखते हैं, तो हमारे सामने डैशबोर्ड आ जाता है, और यहाँ पे मुख्तलिफ शॉर्टकट बने हुए हैं। राइट योर पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट, अबाउट एंड एड एन अबाउट पेज, और व्यू योर साइट वगैरह, इसी तरह विजिट और मेन्यू वगैरह हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, और कमेंट्स वगैरह यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मज़ीद चीज़ें हैं, वर्डप्रेस न्यूज़ है, और कोशिश करें कि न्यूज़ वगैरह ज़रूर देखा करें, कि काफ़ी अच्छी अपडेट्स आती हैं, और एज ए डेवलपर आप लोगों को ये देखना लाजमी है न्यूज़ अपडेट से, जो क्या कहते हैं, बाखबर रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप न्यूज़ वगैरह ज़रूर देखा करें, और काफ़ी सारी साइटें हैं वर्डप्रेस की जो बाकायदा प्रोफेशनल है और काफ़ी चीज़ें सिखाती हैं, और काफ़ी न्यूज़ वगैरह वो अपडेट करती रहती हैं वर्डप्रेस के हवाले से, क्योंकि आप बाकायदा मेंबर बने और आपके इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास डैशबोर्ड था, इसमें इतनी कोई खास चीज़ नहीं है, लिख करते हैं यहाँ पे अपडेट। ठीक है, ये डैशबोर्ड का मैंने होम ही ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, अपडेट में यहाँ पे अगर आपका वर्डप्रेस पुराना हो गया है तो आप यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं। री इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे प्लगइन वगैरह जब वो पुराने हो जाते हैं, और या थीम पुराना हो जाता है, तो उसकी अपडेट की ऑप्शन भी आ जाती हैं। मैं एक बार इसको रीइंस्टॉल कर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, तो इन्होंने कुछ यहाँ पे अपडेट्स वगैरह दी हुई हैं वर्डप्रेस के हवाले से। ठीक है, कि इन्होंने क्या क्या चीज़ न्यू ऐड की, एक तो जो है पासवर्ड का इन्होंने नया फीचर ऐड किया हुआ है, इसी तरह मज़ीद चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं। ठीक है, तो सब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पोस्ट पे। हमने पोस्ट किस तरह करनी होती है वर्डप्रेस के अंदर, यहाँ पे हम इसके बारे में जानेंगे। तो उसमें सबसे पहले ऑल पोस्ट आता है, उसके बाद ऐड न्यू, तो हम न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हैं। ऑल पोस्ट में जितनी पोस्ट हैं हमारे सामने शो हो जाएंगी। इस तरह कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज हम इसमें मुख्तलिफ, जिस तरह हम टेक्नोलॉजी का ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं, मोबाइल हो गया, लेटेस्ट मोबाइल हो गए, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, और साइंस वगैरह के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में न्यूज़ हो गई, और इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO वगैरह सारे कुछ हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो इसकी मतलब हम कैटेगरीज बनाते हैं, और ये कैटेगरी हमारी काफ़ी काम आती हैं। जब कोई एडवांस थीम यूज़ करेंगे तो उनमें कैटेगरीज हमारा काफ़ी काम आएंगी, क्योंकि एडवांस थीम होते हैं वो फ्रंट पे ही आपकी कैटेगरीज के मुताबिक जितने भी पोस्टिंग आपने की होती है, जितने भी आर्टिकल लिखते हैं, वो कैटेगरीज के हिसाब से आपकी फ्रंट पेज पे आ जाते हैं। इस तरह टैग्स होते हैं आपकी सर्च रैंकिंग में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं, और विज़िटर को जो आप विज़िटर है अगर वो सर्च करना चाहता है तो उसके ये काफ़ी काम आएगी। जो जिस चीज़ को आपने जो भी आर्टिकल जिस चीज़ के साथ भी आपने टैग किया होगा, तो वही टैग अगर वो सर्च करेगा तो वो जितने भी आर्टिकल उसके रिलेटेड होंगी वो आपको क्या नाम विजिटर को शो हो जाएंगी। तो इसकी मज़ीद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ऑल पोस्ट पे। ऑल पोस्ट में मैंने अभी ये एक पोस्ट तो ऑलरेडी हुई होती है, दूसरी मैंने पोस्ट की है। ठीक है, यहाँ पे हम बल्क एक्शन कर सकते हैं, मोस्टली चीज़ें अपनी जो है आर्टिकल्स हैं इनको एक साथ इन पे काफ़ी चीज़ें इस पर हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, बल्क एक्शन पे क्लिक किया, एडिट पे किया और रिप्लाई पे कर दिया, तो जितने भी हमारे जो भी आर्टिकल हैं हमारे, इनमें से हम कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम आप पे डिपेंड करता है आपकी कितने चेंजिंग करना चाहते हैं, तो जितने भी आर्टिकल हैं आप इनकी एक साथ चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरीज आता है, कैटेगरी हम जब न्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पे मज़ीद कैटेगरीज आ जाएंगी, तो इनमें से हम कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी आर्टिकल को मूव करना चाहते हैं कि दूसरी कैटेगरी में,
तो वहाँ वो अमल भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मोबाइल ही देंगे तो जो क्यू मोबाइल है हम उसको क्यू मोबाइल की कैटेगरी में ऐड शामिल कर लेंगे। इस तरह टैग भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम जो है ऑथर वगैरह हैं वो चेंज कर सकते हैं। और इस तरह कमेंट्स वगैरह हम अलाउ कर सकते हैं, डू नॉट अलाउ कर सकते हैं कि जो विजिटर हैं कमेंट ना करें। स्टेटस है, पब्लिश की ऑप्शन होती है कि आपका जो जब आप इसको पोस्ट करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा, सबके सामने शो हो जाएगा। प्राइवेट है कि सिर्फ जिनको आपने अलाउ किया हुआ है सिर्फ वही देख सकते हैं। इस तरह पेंडिंग रिव्यू कि जब तक आप उसे चेक नहीं कर सकते, अगर आपको कोई और यूज़र है जिसने पोस्ट की है तो आप उसको पेंडिंग रिव्यू में रख सकते हैं। जब आप उसको अच्छी तरह देख लें तो उसके बाद आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। फिर ड्राफ्ट है, जो भी डाटा अगर आप एक आर्टिकल लिखने लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ तो आप चाहते हैं कि इसको मैं कंप्लीट बाद में कर लूँ और अभी टाइम नहीं है, तो आप उसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। और जब दोबारा आप आएँगे तो ड्राफ्ट से इसको ओपन करेंगे और इसको दोबारा फिर आप पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन वगैरह होती हैं। इस तरह फॉर्मेट है इसकी, ये थीम के हिसाब से मुख्तलिफ फॉर्मेट आते हैं कि आप अपने जो आर्टिकल है हमने किस हिसाब से आपने इसको फॉर्मेट दिया हुआ है, क्या ये इमेजेस हैं सारे इसमें या वीडियोस है, इस तरह लिंक है, गैलरी है, ऑडियो है, ये चैट है, ये सब क्या नाम मुख्तलिफ की कैटेगरीज हैं, फॉर्मेट हैं आर्टिकल के। नॉर्मली हम स्टैंडर्ड करते हैं, अगर आप वीडियो वगैरह इसमें आप ऐड किए हैं तो आप वीडियो उसको देख सकते हैं। और जो आपका थीम होगा जब आप इसमें इंस्टॉल करेंगे तो उसके हिसाब से इसमें वीडियो के जो लुक है, जो वीडियो पेज का लुक है वो उसके हिसाब से चेंज हुआ होगा। अगर ऑडियो करेंगे तो उसके हिसाब से थीम ने अपना स्टाइल दिया हो कि आपकी जो थी ऑडियो है वो इस तरह पेज पे शो हो। ठीक, तो ये मुख्तलिफ चीज़ होती हैं और आपको थीम के साथ ये आ जाती हैं, शो हो जाती हैं। पिंग है मेरे ख्याल से ये इंडेक्सिंग के लिए होता है कि आप इसको गूगल सर्च में जल्दी आ जाता है। इस तरह स्टिकी की ऑप्शन होती है कि यानी सबसे ऊपर आप चाहते हैं कि ये पोस्ट मेरी हमेशा फ्रंट पेज पे ही रहे तो आप इसको स्टिकी कर सकते हैं। और इसके बाद अपडेट करने पे जितने भी आपने पोस्टिंग सेलेक्ट की है, ये क्यों मोबाइल मैंने सेलेक्ट की है, हेलो मोबाइल सेलेक्ट की, इस सब के साथ ये इसकी चेंजिंग हो जाएगी। मैं अपडेट करता हूँ। फिलहाल इसमें चेंजिंग वगैरह क्यों नहीं है क्योंकि मैंने कोई इसमें हाथ चेंजिंग की, ऑथर पहले ही से मुराद था, कैटेगरी अनकैटेगराइज थी। लेकिन अगर आप इसमें चेंजिंग वगैरह लाना चाहते हैं तो आप मल्टीपल कर सकते हैं। आर्टिकल लिखने के लिए आपको इसको ओपन करना पड़ेगा एडिट की ऑप्शन से। ठीक है, और क्योंकि एडिट का मैंने आपको बता दिया, इतना ट्रैश है, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ ये आर्टिकल, इसको मैंने ट्रैश कर दिया तो ये रिसाइकल भी में चला जाएगा। ये ट्रैश में आ गया, ट्रैश में जाके देखते हैं, ये यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे हम इसको परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं, रीस्टोर भी कर सकते हैं। फिर अगर हमसे गलती से ये डिलीट हो जाता है तो हम इसको वापस ला सकते हैं रीस्टोर से। ठीक है, ये आ गया, अब यहाँ से जो है ट्रैश से निकल गया है और ये पब्लिश में आ गया है। ठीक, मैंने आल पे क्लिक किया तो जितने भी आर्टिकल थे मेरे आ गए। अब यहाँ पे दूसरा है व्यू, हम व्यू करेंगे तो जो हमने आर्टिकल लिखा है वो हमारे सामने आ जाएगा। ऊपर आप परमालिंक से भी देख रहे हैं, ये भी हम इंशाल्लाह चेंज कर लेंगे जब इसका आएगा। और ये क्यू मोबाइल के हिसाब से मैंने इसको किया हुआ है, तो ये आर्टिकल वगैरह लिखा हुआ, इतनी चीज़ें वगैरह ऐड की हैं तो ये हमारे पास आर्टिकल शो हो गया है। अगर हम वैसे फ्रंट पेज पे हम जाएँ तो ये हमारे पास, सॉरी फ्रंट पेज पे नहीं आया, यहाँ पे आ गया। ऊपर वाले शॉर्टकट भी एडमिन पैनल के लिए होते हैं, अगर आप लॉगिन हो तो आपको शो होते हैं, सिर्फ आपको, आपके विजिटर को शो नहीं होते। यहाँ पे भी आपके पास शॉर्टकट ही होते हैं, डैशबोर्ड हो गया, थीम हो गया, थीम आपकी आपकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, विजिट है, ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये नज़र आ रहे, रिसेंट को रिसेंट कमेंट और के वो कैटेगरीज, ये हमारे विजिट्स हैं। और इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, हमारी जितने भी रिसेंट पोस्ट हैं वो यहाँ पे आ सकती हैं, कैटेगरीज हमारी यहाँ पे आ सकती है। इसी तरह हम अपना एडमिन का डायरेक्ट लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह मुझे यहाँ पे फेसबुक का हम जो है विजिट ऐड कर सकते हैं।
लाइक बॉक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ट्विटर का हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और एड्स हैं, एडसेंस वगैरह वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे जाके सीखेंगे इसके बारे में किस तरह मेन्यू है हमारे। तो यहाँ पे हम फिलहाल मेन्यू नहीं है, लेकिन ये भी मेन्यू की किस्म है, रिटर्न पोस्ट वगैरह, तो इस तरह के हम यहाँ पे ऊपर मेन्यू वगैरह बनाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम बैक उसी जगह पे जहाँ छोड़ा था, पोस्ट की तरफ। ठीक है, ये मैं आप लोगों को समझा दिया है, आप यहाँ से एडिट करके अपनी पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया विजुअल एडिटर, टेक्स्ट एडिटर है हमारा, और इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक विजुअल एडिटर होता है और यहाँ पे बटन वगैरह लगे होते हैं जिससे हम इसको एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट होता है, यानी कि ये टेक्स्ट में हम एचटीएमएल के तौर पे आप इनको कर सकते हैं। ये एचटीएमएल के टैग वगैरह इसमें यूज हुए हैं सारे, और अगर आपको एचटीएमएल अच्छी तरह आती है, आप एचटीएमएल में करना चाहते हैं तो आप एचटीएमएल से भी कर सकते हैं, अगर विजुअल से करना चाहते हैं तो वो भी इजी, बहुत ईजी तरीका है, और आप यहाँ पर विजुअल से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप ऐड न्यू पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ऐड न्यू पोस्ट कर सकते हैं, हमारे पास ओपन हो गया, और यहाँ पे भी आप ऐड न्यू पोस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप ऐड न्यू पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सही। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमने जो आर्टिकल है हमारा उसका टाइटल लिखना है, टाइटल में लिखता हूँ नोकिया, ये मैंने आर्टिकल का टाइटल ले लिया। अब आते हैं यहाँ पे हमें टेक्स्ट का करना है, टेक्स्ट मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने टेक्स्ट भी कॉपी किया था। ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद आर्टिकल लिखें, हमारे एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि आप अपना आर्टिकल लिखें, उससे लिखें, काफ़ी प्रेस ना करें, लेकिन मैं जस्ट समझाने के लिए आपको ये करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ये बोल्ड, आप कोई भी टेक्स्ट अपना बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, और इटैलिक कर सकते हैं आप टेक्स्ट को, यहाँ पे मैंने इटैलिक किया, ये थोड़ा तिरछा हो गया। ठीक है, और आप अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन सॉरी यहाँ पे इसको ठीक इस पर लाइन खींच सकते हैं, इस पर लाइन रख सकती है, इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ आर्टिकल में थी पहले, लेकिन ये बाद में मंसूख हो गई। ठीक है, और न्यू अपडेट लोग यहाँ पे मज़ीद आप दे सकते हैं कि पहले मैंने लिखा था लेकिन ये चीज़ अब अपडेट हो गई है तो नीचे ना लिखे। ठीक है, इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बुलेट्स हैं, आप कोई भी बुलेट लिस्ट ऐड कर सकते हैं। देखिए, इस पे फिलहाल नहीं हो रहा, ये कर देता हूँ। अच्छा, बुलेट्स यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये इसको सबको एक ही पैराग्राफ समझ रहा है, तो बुलेट्स के लिए मैं इस तरह कर लेता हूँ। यहाँ फिर मैंने इंटर किया तो दूसरा टेक्स्ट आ गया, इस तरह तीसरा टेक्स्ट आ गया, और तीन बुलेट्स पर आ गए। आप इनको ख़त्म करके इनको चेंज भी कर सकते हैं। ये बुलेट इस तरह के आ गया, और इसी तरह आप इसको ब्लैट क्लिक कर सकते हैं, अगर कोई कॉल है, कोई खास खबर है तो आप इसको ट्वीट के अंदर लिख सकते हैं। अच्छा, एक्चुअली सारा आर्टिकल इसमें वो हो रहा है ब्लैट ट्वीट में। यहाँ तक हो गया, और नीचे तक जो था वो भी साथ में हो गया है, इसको भी हम ख़त्म कर लेते हैं, ये ब्लैक कोट ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये ख़त्म हो गया, सिर्फ ये ब्लैक कोट में आ गया, और इसी तरह हॉरिजेंटल लाइन है, हम नीचे लाइन लगा सकते हैं, तो ये देखें एक हल्की सी लाइन यहाँ पे आ गई है, ये सेलेक्ट इसको मैं करके देता हूँ, तो ये लाइन आ गया। अगर हम डिफरेंस लाना चाहते हैं कोई पैराग्राफ के दरमियान तो हॉरिजेंटल लाइन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, लेफ्ट साइड हो गई, सेंटर हो गई, राइट साइड हो गई। ठीक है, और इसी तरह हाइपर लिंक की ऑप्शन है कि आप कोई भी किसके साथ भी इसको लिंक कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे इसको किसी पेज के साथ कर सकते हैं और किसी और लिंक के साथ कर सकते हैं। मैं इसको google.com के साथ कर देता हूँ। ठीक है, और ओपन इन लिंक टैप करूँगा तो आपका जो पेज है वो वहीं पे रहेगा, और ये जो नया लिंक है वो न्यू टैब या विंडो में खुल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट ओपन आपका पेज ख़त्म हो जाए, आपकी वेबसाइट ख़त्म हो जाए, दूसरी नई वेबसाइट आ जाए, तो उसके लिए आप इसको अनचेक कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन बस यही है कि आप अपनी साइट को भी रखें और दूसरी वेबसाइट भी साइट पे ओपन हो जाए। और इसी तरह जो अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एग्जिस्टिंग कंटेंट है, लिंक्स हैं, उनमें ये चीज़ें हैं, आप इनके साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे उसका लिंक ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। यहाँ पे आप टेक्स्ट उसका लिख सकते हैं, कोई भी ऑलरेडी जो सिलेक्टेड है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐड लिंक किया तो ये उसके साथ जो है, जो दूसरा मैंने इसमें लिंक ऐड किया था उसका कनेक्ट हो गया है, जो पेज मैंने ऐड किया है उसके साथ कनेक्ट हो गया है, और साथ में शो भी कर रहा है। आप इसको यहाँ से क्लिक कर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। और नेक्स्ट हम इसमें पिक्चर ऐड, हमने पिक्चर इस तरह किसमें किस तरह ऐड करनी है, इसके लिए ऐड मीडिया पे जाएंगे और यहाँ से ऑलरेडी अगर हमने कोई अपलोड की है तो यहाँ पे आ जाएंगे, मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएंगे, और अपलोड करेंगे तो अपलोड से आ जाएंगे। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एक पिक्चर, ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ये अपलोड हो रही है। यहाँ पे आप इसका टाइटल भी देख सकते हैं, ठीक है, और कैप्शन में आप लिख सकते हैं जो इसके नीचे टेक्स्ट शो होगा, नोकिया मोबाइल। और इसके अलावा आल्टेक्स, क्योंकि आल्टेक्स जो होता है, गूगल सिर्फ पिक्चर को नहीं ट्रेस करता, वो उसके आल्टेक्स को करता है, और वो जो सर्च करेगा आपके जो जितना भी डाटा है तो उसमें आल्टेक्स अगर आपने जो लिखा है तो उसी के हिसाब से वो पिक्चर को मंसूब करेगा। इसी तरह आप अलाइनमेंट दे सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जब आर्टिकल में, ठीक है, अभी फिलहाल नन कर देते हैं, और इसको हम अटैचमेंट कर सकते हैं कस्टम यूआरएल वगैरह से, इस पर कोई क्लिक करें तो नया लिंक ओपन हो, और इस तरह अटैचमेंट पेज है कोई पेज इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, और नन फिलहाल हम इसको नन पे रखते हैं। और यहाँ पे इसकी साइजेज हैं, अब जो इसका साइज़ है ले सबसे फुल साइज़ वो ये है, 640x400 साइज़, और कम से कम जो है इसमें दिए हुए कि आप यही भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम फिलहाल फुल साइज़ करते हैं। तो ये फुल साइज़ मैं नहीं करता आपको दिखाने के लिए, क्योंकि फुल साइज़ होगा तो जिस चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ वो शो नहीं होगी। मैं इसको थोड़ा छोटा साइज़ करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये पिक्चर आ गई, ठीक है, साथ में ये कैप्शन जो हमने दिया था वो भी आ गया। इसको मैं पकड़ के यहाँ पे ले आता हूँ, कट करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि अलाइनमेंट यहाँ पे भी शो हो रही है, कि आप इसको अलाइनमेंट देख सकते हैं। अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूँ तो आप देखें जो डाटा था टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया है, और अगर मैं इसको राइट करता हूँ तो जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट चला जाएगा और ये राइट पे आ जाएगा। अगर इस तरह मैं सेंटर में करता हूँ तो टेक्स्ट नीचे चला जाएगा और इमेज यहाँ पे आ जाएगी। तो आप इस तरीके से पिक्चर वगैरह इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसको पब्लिश करते हैं। इससे पहले ये आप देख सकते हैं, इसको प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि जो आपने क्या काम किया उसका प्रीव्यू किस तरह होगा। और इस तरह सेव ड्राफ्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आते मैंने लिखा है मज़ीद इसको मैं फिर करूँगा तो आपको सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। और स्टेटस है, एडिट ड्राफ्ट है, आप इसको पेंडिंग रिव्यू या ड्राफ्ट में कर सकते हैं। इसी तरह विजिबिलिटी है, पब्लिक कर सकते हैं या कि सारी जितने भी विजिटर दे सके, या स्टिक दिस पोस्ट टू द फ्रंट पेज, या ये फ्रंट पेज होम पेज पे ये यही ये भी है, बाकी बेहतर है, लेकिन बाकी तो चेंज होती रहेंगी, ये वही वहीं की वहीं रहेगी। और पासवर्ड प्रोटेक्ट में आप इसको पासवर्ड लगा सकते हैं, और प्राइवेट में इसको प्राइवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको नॉर्मली रखेंगे, इसको पब्लिश करेंगे, और मूव टू ट्रैश अगर आप चाहते हैं कि मेरे से ये आर्टिकल नहीं थी लिखा गया, मैं इसको फिर लिखूंगा, आप इसको मूव टू ट्रैश यहीं से भी कर सकते हैं। मैंने इसको पब्लिश किया तो यहाँ पे हमारे पास इसका लिंक भी आया हुआ है, इसका डायरेक्ट लिंक है। आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो वी पोस्ट भी आ जाएगा, और आप इस लिंक को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये गेट शॉर्ट लिंक है, अगर आप फेसबुक वगैरह पे करना चाहते हैं तो आपके पास इसका शॉर्ट लिंक भी आ जाएगा। राइट क्लिक किया व्यू पोस्ट, यहाँ से भी राइट क्लिक किया व्यू पोस्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारी आ गई जो हमने अभी की थी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने नोकिया मोबाइल हाइपर लिंक दिया था ये क्यू मोबाइल का। ठीक है, ये इस पर क्लिक किया तो जो क्यू वाला आर्टिकल था वो मेरा खुल गया, तो ये हाइपर लिंक का कमाल हो गया, और ये इमेजेस वगैरह ऐड हो गई। और इस तरह मैं फ्रंट पेज पे जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ,
तो हमारे पास ये पूरा का पूरा आर्टिकल आ गया है, और नीचे दूसरा आर्टिकल आ गया है, और इसके नीचे तीसरा आर्टिकल आ गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पेज जो आर्टिकल हैं वो छोटे छोटे हैं एक पेज पे, क्योंकि इतना लंबा आर्टिकल वो काफ़ी लेंथ हो जाएगी आपकी वेबसाइट की, और विजिटर तंग आ जाएगा, क्योंकि अक्सर ज़्यादा जो पेज की लेंथ होती है तो अक्सर आपका फायरफॉक्स वगैरह ब्राउज़र भी हैंग हो जाता है। इसके लिए हम ये कोशिश ये करते हैं कि जो पहला पैराग्राफ है ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादातर हम इसी को क्या नाम है फ्रंट पे लाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये इंसर्ट रीड मोर का टैग। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जिसके बाद में मैंने रीड मोर का करना है, इंसर्ट करना है, तो वहाँ पे कर्सर ला के रीड मोर का बटन क्लिक कर देता हूँ तो ये लाइन आ जाती है। ये आपके पास नज़र आ रहा है, मोर की ऑप्शन आ रही है। अब मैं अपनी वेबसाइट को देखता हूँ, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे कंटिन्यू रीडिंग आ गई, और जितना पैराग्राफ से तक मैंने सेलेक्ट किया था कि इसके बाद रीड मोर आया तो वहाँ तक आ गया है। ये भी छोटे हो गया, और ये भी मैंने पहले ऑलरेडी छोटा किया था, तो ये एक पेज पे तीन आर्टिकल आ गए जो इतनी लेंथ इसकी नहीं है। मज़ीद भी आप फर्स्ट पेज पर ला सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ आ गई यहाँ पे, अच्छा ये भी मैंने आपको पहले भी इसमें ना बताया था कि आप जिस हिसाब से अगर वीडियो का पोस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को सिलेक्ट कर लें, लिंक्स हों ज़्यादा तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, गैलरी भी आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो वो आपके थीम के हिसाब से आपको जो इसका लेआउट है एडजस्ट कर देगा। अब यहाँ पे आते कैटेगरीज, कैटेगरीज यहाँ पे सिर्फ अर्न कर कैटेगराइज है जो बाई डिफ़ॉल्ट होती है। मैं जो पोस्टिंग कर रहा हूँ अभी मोबाइल की कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मोबाइल की कर देता हूँ, कैटेगरी ऐड कर देता हूँ, एड न्यू कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरी, यानी कि ये टॉप पे है, ठीक है, टॉप पे है, पे इसकी कोई क्या नाम चाइल्ड कैटेगरी नहीं है, ये खुद ही एक बहुत बड़ी कैटेगरी है कि इसके नीचे अंदर आ सकती है, मतलब कैटेगरी इसके ऊपर ज़्यादा नहीं आ सकती, आ भी सकती हैं लेकिन नॉर्मली जो हम अपनी वेबसाइट के हिसाब से करेंगे वो इस तरह लिखेंगे कैटेगरी। अब मैं ये तो ले लिया, लेकिन अब ये है हमारे पास ये नोकिया मोबाइल है, कैटेगरीज में और भी कैटेगरीज आ सकती है ना, मोबाइल है, वीवो मोबाइल भी है, नोकिया का भी है, सैमसंग है, इस तरह और भी मुस्लिम मोबाइल हैं, तो आप उनकी कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें एक सब कैटेगरी ऐड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं ये कर दूँगा ये नोकिया के अगर मैंने किया है, ठीक है, और पेरेंट इसकी करता हूँ मोबाइल, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक किया तो ये आ गया मोबाइल, जो इसकी मेन कैटेगरी है उसकी सब कैटेगरी नोकिया, यानी कि दोनों में ये पोस्ट शो हो जाएगी। अगर कोई नोकिया भी जाना चाहता है तो उसके हमारे सामने ये खुल जाएगी, और मोबाइल भी जाता है तो मोबाइल में क्यों मोबाइल भी शो हो रहे होंगे और नोकिया के भी शो हो रहे होंगे, बाकी मोबाइल शो हो रहे होंगे। तो कैटेगरी से होगा कि विजिटर को भी आसानी होगी जो पेजेस पे जाने की, और वो इजीली जो भी आर्टिकल रीड करना चाहता है वो रीड कर सकता है। इसी तरह यहाँ पे टैग्स आ गए, टैग्स ये होता है कि आपके जो विजिटर हैं अगर वो चाहता है कि मैं मोबाइल की सर्च करना, स्मार्टफोन सर्च करना चाहता हूँ, या समझ लिए टच मोबाइल जो दूसरे हैं बटन वाले के, तो वो उसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं, टैग दे सकते हैं, और वो जो सर्च करेगा तो उसके साथ जितने भी स्मार्ट मोबाइल होंगे टच मोबाइल होंगे वो आ जाएंगे, या अगर वो बटन वाले मोबाइल सर्च करना चाहते हैं वो तो वो आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ पर लेता हूँ टच स्मार्ट ले देता हूँ, स्मार्ट मोबाइल, और आगे मैंने कॉमा देना है, और इसके बाद नेक्स्ट हम इसको ले देते हैं नोकिया की भी कैटेगरी दे देते हैं कि नोकिया मोबाइल से, ठीक है, अगर नोकिया की सर्च करना चाहते हैं तो उसके सामने वही आ जाते हैं। फिर आप मज़ीद इसमें टैग वगैरह ऐड कर सकते हैं, ऐड से क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक कैटेगरी आ गई। इसका फीचर्ड इमेज होता है, फीचर इमेज से पहले मैं थोड़ा सा एक इसमें थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ, थीम पे मैं जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो थीम है वो इतना अच्छा नहीं है, मज़ेदार नहीं है। मैं कोई मैगजीन थीम सेलेक्ट करता हूँ, ऐड न्यू पे जाता हूँ, और यहाँ पे सर्च करता हूँ कोई न्यूज़ थीम, ठीक है, ये है डायनामिक न्यूज़ लाइट, मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके इंस्टॉल पे क्लिक किया,
और इसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, लाइव प्रीव्यू हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसकी पिक्चर बहुत बड़ी है, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये देखें, इसके साथ पिक्चर शो हो रही है, नहीं हो रही है, उसके साथ ओ हो रही है, क्योंकि मैंने थंबनेल इमेज जो दिया है जो फ्रंट पे आता है, और ये थीम भी अच्छा नहीं लगता, तो और भी हैं। फिलहाल मैं इसी को कर लेता हूँ। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, फीचर इमेज ऐड करते हैं इसको। मैं इसमें अगर ऐड मीडिया करता हूँ, कोई और पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। इसका साइज ठीक है, लेकिन साइज मुझे बड़ा चाहिए, ये बड़े साइज़ वाला मैंने कर दी। ठीक है, इसको 640 बाई 27। ठीक है, और इसका जो साइज़ है ये फुल मैं रख देता हूँ, इंसर्ट इनटू पोस्ट करता हूँ। तो ये देखें, ये इसका बड़ा साइज़ आ गया, और इसको मैं अपडेट करता हूँ। ये अपडेट हो गया, और मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ये बड़ी स्क्रीन आ गई और बड़ा पेज आ गया, लेकिन थंबनेल में होते हैं कि छोटे छोटे इमेज होते हैं। अभी मैं थीम थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हुआ, तो थीम एडजस्ट हो जाए तो काफ़ी इसमें अच्छे इशू होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको दिखाने के लिए कि मैं ये फ्रंट पे इतना बड़ा आ रहा है और ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं रिमूव करता हूँ, और मैं फीचर इमेज ऐड करता हूँ। इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसका साइज अब नहीं आ रहा। अपडेट करता हूँ, ये पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है, रिमूव भी कर सकते हैं हम। देखिए, इसका साइज कम हो गया है और ये काफ़ी हद तक एडजस्ट हो गया है। मैं थीम को और चेंज करता हूँ, ये इस पर इतना अभी शूट नहीं कर रहा, तो सेटिंग वगैरह भी अक्सर थीम में होती है। एड न्यू पे जाते हैं। अच्छा, u.com.pk पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी थीम इंस्टॉल की जो अच्छे मुझे लगे हैं, तो आप लोग वही यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, न्यूज़ मिक्स लाइट को। आप लोगों को जो भी थीम अच्छे लगते हैं या कहीं से मिलते हैं तो आप मुझे बता दिया करें, मैं इंशाल्लाह उसको अपलोड कर दूँगा। इसको मैं एक्टिवेट किया, इसको भी ओपन करते हैं, ये एक्टिवेट हो गया। विजिट साइट पे क्लिक करके हम अपनी साइट विजिट करते हैं। तो ये हमारे पास शो हो गया एज ए, क्या नाम है, थंबनेल इमेज की। इसका साइज भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये इन्होंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है इसको। ये छोटा पिक्चर है, इसको इन्होंने यहाँ पे कर लिया। तो असल में बताने में मकसद थंबनेल वगैरह का है कि कितना इमेज में शो होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इमेजेस के बारे में हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़, इसमें है टूल बार पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ मज़ीद चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। इनमें सबसे पहले पैराग्राफ है, आप पैराग्राफ या ऑलरेडी पैराग्राफ है, आप इसको हेडिंग करके हेडिंग में भी ला सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को छोटा भी कर सकते हैं, और प्री जो है प्री डिफाइंड है,
उसमें भी कर सकते हैं, यानी जो कुछ लिखा हुआ है वैसा ही क्या नाम है वो रहे, ठीक है। लेकिन हम इसको पैराग्राफ में कर सकते हैं कि ये पैराग्राफ ही है, नीचे कोई आर्टिकल वगैरह हो, हेडिंग वगैरह हो, आप उसको हेडिंग में कर सकते हैं। इसी तरह आप अंडरलाइन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, ये अंडरलाइन हो गया। और जस्टिफाई होता है, जिस तरह हम ये राइट अलाइन करते हैं लेफ्ट करते हैं, तो जस्टिफाई ये पूरा का पूरा बराबर आ जाता है, जस्टिफाई हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर इसका चेंज हो गया, और भी मुझे यहाँ पे कलर हैं, कोई भी हम कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह पेज एज टेक्स्ट है, अगर आप क्या नाम है वर्डप्रेस क्या एम एस वर्ड वगैरह से या किसी दूसरी साइट से करते हैं, तो एज इट इज वो पेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको पेस्ट एज टेक्स्ट करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग वगैरह की ख़त्म हो जाएगी। इस तरह क्लियर फॉर्मेटिंग है, मतलब जो भी हमने इस पर अप्लाई किया है, फॉर्मेट किया है, इसको कलर वगैरह चेंज किया है, जो भी फॉर्मेटिंग की वो ख़त्म हो जाएगी। इस पर क्लिक किया तो ये बैक उसी पे आ गया अपनी जो ओरिजिनल था। इस तरह इसमें स्पेशल करेक्टर हैं, ठीक है। आप इसमें कोई भी स्पेशल करेक्टर वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पसंद का हो। तो ये आ गया। और टेक्स्ट को थोड़ा सा दाएं तरफ घुमा करना हो, बाएं तरफ करना हो, तो आप ये इससे कर सकते हैं। और अगर आप अंडू करना चाहते हैं जो काम की बैक पे किया है, वो वापस ला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से रेडो करके आप आगे कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। मज़ीद इसमें कोई हाथ इन चीज़ें नहीं है। आगे आते हैं ऐड न्यू पे, हम तो न्यू एडिट न्यू पोस्ट कर लेते हैं। इसको पब्लिश में कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी कैटेगरी दें नेक्स्ट, और यहाँ पे जो मैंने पहले कह रहा है कैटेगरी बनाई थी, वही आप यहाँ पे मज़ीद बना सकते हैं। मोबाइल हो गया, नोकिया हो गया, आईफोन हम कर लेते हैं। आईफोन हो गया, लोगो ये होता है कि इसका लिंक होता है, ठीक है, यूआरएल होता है, जो सीओ के लिए भी बेस्ट होता है। आप इसी को कॉपी करके यहाँ पे कर सकते हैं, ना भी करना चाहे तो ऑटोमेटिक कर लेता है। पेरेंट्स हैं, जितना मैंने किया था, आप मोबाइल के थ्रू करना अगर चाहते हैं मोबाइल का पेरेंट बना सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप किसी शो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और किस थीम में ये डिस्क्रिप्शन शो भी होती है। ऐड न्यू पे किया तो ये हमारे पास आईफोन आ गया, ठीक है। इसी तरह हम वीडियो भी बना सकते हैं, क्यों मोबाइल, और ये हमारे पास आ गया कि मोबाइल, ठीक है। इसी तरह टैग दें, टैग भी आप किस किस्म के ऐड कर सकते हैं, सेम इस तरह स्मार्टफोन, दूसरे के क्या कहते हैं कीबोर्ड मोबाइल, मेरे जहन से निकल गया, कीपैड मोबाइल, शायद कीपैड मोबाइल, ऐड न्यू, ठीक है। ये सर आप मुख्तलिफ यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट के बारे में मैं बता दूँ कि असाइनमेंट आपकी यही है कि आप लोग u.com.pk के जो आपकी वेबसाइट बनी है वहाँ पे कोई भी अच्छा सा थीम सेलेक्ट करें, और दो तीन आर्टिकल पोस्ट कर दें, और उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर दें, स्टाइल वगैरह ये वगैरह जिस तरह भी है, इसका फीचर इमेज वो भी ऐड कर लें, तो इंशाल्लाह इसके अच्छे बन जाएंगे, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर था, उम्मीद है आप लोग को समझ भी आ गया होगा, और काफ़ी ईजी भी है, और असाइनमेंट भी इतनी हैवी नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।